अच्छा, हैदर कितने साल तुम्हारे साथ रहा? हैदर, मेरी शादी हुई थी 2014 के सेकंड मंथ में, फरवरी में। फरवरी में, उसके बाद 2019 तक, मतलब 14 से 19 तक 5 साल तुम साथ रहे। हाँ, 5 साल हम साथ रहे। वो साथ इस तरह रहे, मतलब मेरे को क्या बताऊँ, कुछ बातें इंसान नहीं कह सकता ना। कुछ लोग मुझे ताने देते हैं कि सीमा प्यारी थी, 4 बच्चे कैसे हो गए, कभी मजबूरियां भी होती हैं। अच्छा, हैदर से मिलना कैसे हुआ तुम्हारा? मतलब जब तुम हैदर से पहली बार मिली, या तुम्हारा मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आपसे पहले जब मैं 19 से पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अच्छा, हैदर के होते जब शादी, फिर मेरे पास फ़ोन भी मैंने कभी नहीं रखा था। तो हमारी शादी हुई थी, बड़ों का फैसला था, और कोई मेरी गलती थी जिसकी समझो सजा के तौर पर मुझे दूर मुझे शादीशुदा के साथ शादी करा दी गई, वो भी सिंपल सी। तो घर वालों को पता था कि हैदर शादीशुदा है? उसके बाद भी घर वालों ने शादी करवा दी तुम्हारी? ये पता था कि दूर है, बस हैदर ने मांगा, उन्होंने दे दिया पापा और मामा और ने। पापा ने भी ऐतराज नहीं किया कि भाई मैं अपनी बेटी को ऐसा रवाज है ना, मतलब ऐसा शादी कर देते हैं बेटी का? रवाज है कि अगर कोई बेटी कोई गलती कर दे, किसी को पसंद कर दे, तो सबको पता पड़ जाए, तो वहाँ इज्जत की बात बन जाती है। तो आपको वहाँ कोई पसंद आ गया? हाँ, मेरे अपने खानदान में ही थे। अच्छा, तो उसी की वजह से बतौर सजा पे मुझे दूर। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो जैसे रिश्तेदार होते हैं आपस में शादी कर लेते हैं, वो अरेंज कर लेते हैं ना, लव मैरिज अलाउड नहीं है। तो परिवार वाले तो करवा देते हैं ना, जैसे भाई किसी से प्यार हो गया तो चलो कोई बात नहीं, घर के घर में रह जाएगी। चाचा का लड़का हो गया, मामा का लड़का हो गया, वो क्लूज हो गया ना, तो उसको अगर पसंद भी करते तो करा देंगे शादी, कोई बात नहीं, अपने घर में रहेंगे। अच्छा, वो थोड़े दूर करते थे, अपनी कास्ट की पर थोड़े दूर के थे। अच्छा, तो उसी वजह से दिक्कत आ गई थी, मुझे दूर थी, मतलब शादी करा दी थी, मतलब बतौर सजा कि दोबारा इस गांव में पैर नहीं रखेंगे। अच्छा, एक तरह से तुम्हें वहां से भगा दिया, निकाल दिया घर से, वो निकाल ही दी। तो उसके बाद फिर तुम कभी अपने घर नहीं गई इसके शादी के बाद? कभी भी नहीं गई, कभी भी नहीं गई। उसके बाद हैदर के साथ कराची में शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो शुरू में जैसे हैदर से आपकी शादी हुई, तो इसका हैदर का जो बिहेव था आपके लिए किस तरह का था? मतलब प्यार किया था शुरू में? शुरू में सही थे, शुरू में हैदर सही थे, फिर उनकी पहली पत्नी भी थी, पर शुरू में मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे कोई एक कहते मरा हुआ इंसान होता है, मैं खुद को इस तरह महसूस करती थी। पत्नी साथ में रहती थी पहले? फिर मुझे इस तरह, फिर जब हम कराची शिफ्ट हुए, जब मुझे राज पैदा हुआ ना, फिर मुझे जीने की मतलब ख्वाहिश जागी, वरना पहले मैं समझ जिंदा ही नहीं थी। अच्छा, तो बहुत बुरे तरीके से रहना, लड़ाई पिटाई करना, फिर जब राज हुआ ना, तो मैं कहती थी मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। तो हैदर का जो बिहेव तुम्हारे लिए कब से बदला, मतलब कितने दिन बाद शादी के आने के बाद? कितने दिन बाद? आपकी माँ के कहने से, किसी भी कहने से, मैंने कहूँगी उनके अफेयर रहा है गुड्डी नाम की औरत से, तो किसी के कहने से भी कराची आने के बाद हैदर के मतलब व्यवहार बदलते लगे। मतलब कराची आने के बाद हैदर का जो अफेयर हो गया दूसरे से, किसी दूसरे से? 2015 की बात से। अच्छा, लड़ाइयाँ, मार पिटाई, तो फिर तुम्हारे साथ गलत बिहेव करने लगे बहुत ज्यादा। कई बार तो मतलब ऐसे तलाक देकर निकाल देते, फिर मेरे अबू कराची मेरी वजह से शिफ्ट हो गए, तो अबू घर निकाल देते, फिर मैं वहीं चले जाती थी 2 दिन बाद, फिर अबू मुझे वापस कहते चले जाओ, तो हैदर आते हैदर के बनाने के लिए, चलो घर चलो घर। पिटाई करता था वो बहुत बुरे तरीके से, वो फिर अबू ले जाते, ईदों के दिनों भी लड़ाई करी मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से, और उनको याद, फिर उन्होंने 3 साल बाद अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया, पहली पत्नी ने खुद ली तलाक। अच्छा, उसने भी मतलब अपने आप ही अलग रहने का फैसला किया पहली वाली पत्नी ने? उस औरत को पता था ना, मतलब औरतों से उसके साथ भी इसी तरह से मारपीट करते, इससे भी ज्यादा, मुझसे ज्यादा उसे करते था। अच्छा, उसके बाद ने उनको मतलब किसी सरदार की आवाज में ये हो गया कि हैदर, तो हैदर जैसे तुम्हारी पिटाई करता था, फिर कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आता होगा? कोई था नहीं, अकेली थी मैं कराची में। फिर कैसे संभालती? बच्चे भी होंगे? बच्चे बेचारे, हाँ ये था राज, डर जाते थे, ये आगे मेरे गले लग जाते थे, तो ऐसे पिटाई जब तक खून ना निकले ना, तब तक झगड़ा खत्म नहीं होता था। अच्छा, इतनी बुरी तरह से मारता था? तरह से लड़ाई होती थी। तो तुमने कभी सोचा नहीं इससे अलग होने का कि भाई? सोचा बहुत, मैं उनको हमेशा कहती थी हैदर में छोड़ दूंगी, पर मेरे पास कोई रास्ता, उम्मीद ही नहीं थी, कोई रास्ता ही नहीं था। हालांकि मैं हमेशा उनको कहती थी हैदर में चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, क्योंकि मेरी आत्मा दुखी होती थी, मैं बहुत दुखी होती थी। तो फिर तुम्हारे ये 4 बच्चे हुए, मतलब 3 बच्चे हुए, और चौथी लड़की जब मेरे पेट में थी ना, तो ये विजिट वीजा पे कैसे सऊदी अरब चले गए थे। अच्छा, जब ये साथ में, हम साथ में नहीं थे तब, कौन से मतलब कौन से सन में गया ये हैदर में? 2019 में वो चला। अच्छा, उसके बाद फिर मुन्नी हुई मुझे, मुन्नी हुई। अच्छा, मुन्नी ने देखा भी नहीं हैदर, तब लड़ाइयों में ही चले गए, छोड़ छाड़ के तलाक लगने के। अच्छा, वो तुम्हें तलाक देके तब गया वहाँ? हाँ, लड़ाई में, उसके 3-4 महीने बाद चले गए। अच्छा, फिर इनसे, सचिन जी से? सचिन फिर 2020 में आए पबजी में, तब मैं पहले तो फोन लिया था, फिर स्मार्टफोन टच फोन लिया मैंने, उसके बाद मैं और राज पबजी, मेरा लड़का ही खेलता था फ्री फायर पबजी। अच्छा, तो हम दोनों साथ में माँ बेटा खेलते थे, एक दिन सचिन वाले हमारे गेम में आ गए ना, उसके बाद सचिन के साथ, उनके साथ आपके गेम शुरू हो गया, बातें गेम सब कुछ, व्हाट्सअप वगैरह।